महाराष्ट्र दिन का 65वां स्थापना दिवस केपी ग्राउंड में मनाया गया। इस मौके पर पालक मंत्री के हाथों ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस का सम्मान भी किया गया। महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह 8 बजे राज्य के ऊर्जा मंत्री पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पुलिस परेड हुई, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने पालक मंत्री को सलामी दी। पुलिस विभाग में जिन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसे कर्तव्य दक्ष पुलिस का सम्मान पालक मंत्री के हाथों किया गया। इस मौके पर सभी प्रशासकीय आला अधिकारी और कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र स्थापना दिन के अवसर पर पालक मंत्री इन्होंने अपने भाषण में सभी को संबोधित किया। एक संपन्न प्रगतिशील आणि पुरोगामी राज्याचा मंत्री म्हणून मला ध्वजारोहणाची संधी दिल्याबद्दल भारतीय राज्यघटनेप्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो। मित्रांनो, गेली 2.5 वर्ष करोनाच्या संघर्षात कशी निघून गेली हे आम्हाला कळलेच नाही। आमच्यापैकी प्रत्येकाचा जवळचा कोणी ना कोणी या लाटेत कायमचा दुरावला आहे। या दुःखानंतरही फिनिक्स पक्षासारखी भरारी आपला जिल्हा घेत असल्याचा मला अत्यंत आनंद आहे। करोना काळात सर्वस्व हरवलेल्या कुटुंबियांना जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागाने मानवी चेहरा दाखवत धडाडीने काम सुरू केले आहे। करोनामुळे पालक गमावलेल्या 3000 मुलांना जिल्हा प्रशासन मदत करीत आहे। या 3000 मुलांना मी सांगू इच्छितो की तुमचा पालक म्हणून मी सर्वतोपरी मदत करण्यास तत्पर आहे। महाराष्ट्र की स्थापना होने से पहले महाराष्ट्र बनाने के लिए कई आंदोलन और कई बलिदान हुए। महाराष्ट्र की एकता अखंडता ही हमारा वैभव है। केपी ग्राउंड से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।